हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। थोड़ी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल आज का। बेसिकली मैं कुछ दिन पहले एक चीज सिमुलेशन बना रहा था जिसमें मुझे एक पंचर टायर बनाना था। तो दिक्कत ये हो रहा था कि मैं एक्जैक्टली समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसको माया में बनाऊं। ऑब्वियसली मैं इसका मैक्स का ट्यूटोरियल भी दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं उसको अभी मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन है। तो एग्जैक्टली मैं कैसे बनाया हूँ पंचर टायर, वो मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने पहले नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि अगर किसी ने देखा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास मुझसे ज़्यादा बेटर आइडिया है तो मुझे बहुत खुशी होगी देख के। बट अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा वे है किसी पंचर टायर को बनाने के लिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक चक्का जो है वो ले लिया है, पीछे से खोखला है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या बनाना था कि चक्का जो है वो घूमे, है ना। बट क्या हो कि घूमते हुए, जैसे कि आप अगर पंचर टायर आपने कभी देखा होगा तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो चपटा होता है हमेशा, है ना। ऑब्वियसली मैंने क्या सोचा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आज इसको वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर से नीचे कर दूंगा। बट दिक्कत ये होता है कि जैसे ही मेरा चक्का रोटेट होता है तो ये जो चपटा हुआ उभार है वो ऑब्वियसली घूम के ऊपर आ जाता था। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी थी कि मैं इसको नहीं कर पा रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं किस तरह से एनिमेट करूँ, क्योंकि हर एक फ्रेम पे हर एक वर्टेक्स को पकड़ के एनिमेट करना इट नॉट पॉसिबल। और अगर ज़रा सा भी थोड़ा भी चेंजेस आ जाते हैं मेरे सीन में तो फिर तो हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें कि जो भी मेरा वर्कआउट किया है वो सही से रहे और जब चाहे मैं उसको चेंजेस भी कर सकूँ, है ना। तो मैंने एक नया तरीका निकाला। ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन में मैंने जैसे पहले भी एक बार दिखाया था कि FFD बॉक्स, तो उससे बहुत अच्छा एक जो आप बोल सकते हो कि वो चीज़ बहुत अच्छे से एक यूज़ हो सकता है FFD का इस चीज़ में, है ना। अभी वो चीज़ कैसे करूँगा वो मैं ज़रूर आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टायर है, तो दिक्कत इसका क्या टायर का कि ये दोनों पेरेंट जल्द किया हुआ है। तो मैं विंडोज़ में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आउटलेयर में जाके इसको मैं पेरेंट सेल से हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पंचर टायर का जो इफेक्ट है वो जो रिंग है उसमें ही पड़े, है ना। तो यहाँ पे जैसे ठीक है मेरे पास, नो नीड ऑफ दैट। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल हो गया, ईयर हो गया, ईयर हो गया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे पंचर टायर बनाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेन बनाता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक प्लेन नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, तो मैं कैसे किस पे पंचर टायर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक मैं प्लेन ले लेता हूँ, है ना। ओके, अब दोनों को पकड़ता हूँ मैं, इसको पकड़ के मैं नीचे लेके आता हूँ। जितना ही मुझे पंचर इसका चाहिए, जितना ही मुझे DKS का दिखाना है, उतना मैं नीचे तक लेके आ जाता हूँ। तो ऑलमोस्ट इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैश है पूरा ट्रायंगल है। तो मैं कहूँगा कि ट्रायंगल मैश ही लीजिएगा। रीजन क्या है कि ट्रायंगल अगर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से डिफॉर्मेशन देगा, और अगर ट्रायंगल नहीं आपके पास स्क्वाड है तो सिर्फ आपको हाई पॉलीगॉन उसको करना है, दैट्स इट, काफ़ी है ना। अगर हाई पॉलीगॉन आपको नहीं करना था तो यहाँ पे आप जा सकते हैं पॉलीगॉन, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप यहाँ से भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं स्मूथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलीगॉन जो है वो मेरा हाई हो गया। तो जितना हाई पॉलीगॉन होगा उतना अच्छा जो इसका जो ट्रांजिशन है चक्के का वो उतना अच्छे से आएगा। तो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लेन है मेरा ज़मीन, उससे मैंने थोड़ा सा नीचे जो टायर को उसको लिया है ना। तो अभी मेरे को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है डिफॉर्मेशन में, जाएंगे बस FFD बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपके पास वाला पैनल नहीं है तो यहाँ पे जाके आप मैश, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, आपको मिलेगा एनिमेशन, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट डिफॉर्मर्स, यहाँ पे आपको मिलेगा लैटिस। ठीक है, तो इससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एक ही मतलब है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको और लैटिस यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि बाउंडिंग बॉक्स आ गया। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, है ना, मैं आप नीचे में आ जाऊँ, यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास ये है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसको यहाँ से ऑफ करके यहाँ से भी वापस आ सकते हो, है ना। यहाँ पे डिविजन्स कुछ दिए हुए, ऑब्वियसली जितना भी डिविजन आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे आप सिंपल मिडिल माउस क्लिक करके व्यू बोर्ड में आप उसको बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये डिविजन का मेरे को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को फिलहाल जो किस चीज़ का डिविजन चाहिए वो यहाँ पे डिविजन चाहिए। तो इतना 9-10 डिविजन मैं ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, और जो यू डिविजन है इसको मैं बढ़ाता हूँ। तो आई थिंक इतना मेरे लिए काफ़ी है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये जो डिवीजन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवीजन मैंने पकड़ लिया है। अभी यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि मैं टायर को अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मेन मेरा कंसर्न था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा मैं जो भी इसका FFD बॉक्स है, लैटिस बॉक्स है, राइट क्लिक दबा के लैटिस पॉइंट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे कर्व्स हैं इनको पकड़ के मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ। आप देख सकते होंगे कितना अच्छा जो डिफॉर्मेशन है वो इसमें आ रहा है। और फिर से मैं पकड़ता हूँ ये लोग को अगेन, साइड व्यू से देखूंगा तो बेटर दिखेगा मेरे को, आइसोलेट किया हुआ है। फिर से राइट लिंग मार के लैटिस पॉइंट सबको पकड़ता हूँ मैं, ऊपर वाले को भी पकड़ना है,
और यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको इसको पकड़ के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना अच्छा जो एक जो डिफॉर्मेशन आता है एक पंचर टायर का, वो मेरे पास मिल गया है, ठीक है। बट इसका भी क्या दिक्कत है कि ये जब भी टायर ऊपर जाता है तो साइड वाला जो है वो बाहर आता है ना, तो वो चीज़ को मैं यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। राइट क्लिक मार के मैं यहाँ पे, सॉरी वर्टेक्स में चला गया, राइट क्लिक मार के लैटिस पॉइंट, ये तीनों को मैं पकड़ता हूँ, सॉरी पीछे वाले भी सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल दबा के आप डिसलेक्ट भी कर सकते हो उसको, उसको पकड़ के सब बाहर कर दो, दिख रहा है ना जो डिफॉर्मेशन एक आना चाहिए पंचर टायर का वो बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, बट ये हर एक फ्रेम पे एनिमेट करने से तो बेटर ही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा जो डिफॉर्मेशन है टायर का वो यहाँ पे आ गया, जैसे कि मेरे को एग्जैक्टली चाहिए था ना। पीछे से भी आप चाहो तो कर सकते हो, मैं पीछे से नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी अगर मैं रोटेट करता हूँ जो भी मेरा बॉक्स है इसको, तो आप देखोगे कितना अच्छा जो डिफॉर्मेशन है वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, देख रहे। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरा टायर में घुमाते जाऊंगा वैसे वैसे जो नीचे का मेरा फॉर्मेशन है वो वहाँ पे फिट होता जाएगा। तो अगर मेरे को पंचर टायर बनाना है सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है। तो दोस्तों आपको मेरा अगला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।